है मेरे चैनल में। उम्मीद करती हूँ मेरी फैमिली बहुत अच्छी होगी और खूब अच्छे से अपना ख्याल रख रही होगी। गाइस विंटर आ रही है और विंटर के आते ही सबसे ज़्यादा जो हमें परेशान करती है वो हमारी स्किन की ड्राइनेस और रफनेस। और आपके ढेर सारे कॉमेंट जो आ रहे हैं वो इस चीज़ को लेकर आ रहे हैं कि आप अपनी स्किन केयर रूटीन में किन चीज़ों को शामिल करती हैं, आप विंटर में कौन सा स्किन केयर रूटीन करती हैं या फिर स्किन की ड्राइनेस से बचने के लिए आप क्या करती हैं। तो आज मैंने सोचा अपनी फैमिली को मैं अपना सीक्रेट बता दूं। गाइस आज मैं आपके साथ एक मैजिकल ऐसा सीरम शेयर कर रही जो कि आपकी पूरी बॉडी की ड्राइनेस को खत्म करने वाला है, इसके साथ ही साथ स्किन लाइटनिंग और वाइटनिंग भी करेगा। इसका एक बहुत ही बड़ा बेनिफिट और बहुत ही बड़ा मैजिकल फायदा और भी है जिसको मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगी। तो ये सीक्रेट गाइस मेरा है और आज से पूरी विंटर आपका भी सीक्रेट बनने वाला है। अगर आप भी अपनी स्किन को ग्लोई शाइनी और चमकदार बना के रखना चाहती हैं तो वीडियो को देखिए, इसको यूज कीजिए और इसके रिजल्ट मेरे साथ कमेंट बॉक्स में शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा। आई होप कि मेरा ये वीडियो मेरी फैमिली को बहुत बहुत हेल्प करने वाला है। तो प्लीज हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब माय चैनल विद बेल आइकन। जब भी मैं वीडियो अपलोड करूंगी आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाएगी और उस वीडियो को आप सबसे पहले देख सकती हैं। तो चलिए देख लेते हैं कि मैजिकल सीरम हमें किस तरह से बनाना है। तो इस स्किन ब्राइटनिंग सीरम को बनाने के लिए गाइस सबसे पहले हमें इस तरह की एक बॉटल की ज़रूरत होगी। आपके पास जो भी ग्लास का कंटेनर है या फिर प्लास्टिक की बॉटल है या फिर स्प्रे बॉटल है, आप उसमें इसे बनाकर रख सकती हैं। ठीक, तो सबसे पहला जो हमारा इंग्रेडिएंट है गाइस वो है एलोवेरा जेल, जो कि हमारी स्किन को हाइड्रेट और मॉइस्चराइज रखता है। यहाँ पर मैं पतंजलि का एलोवेरा जेल यूज़ कर रही हूँ। मैं दो एलोवेरा जेल हमेशा यूज़ करती हूँ, एक तो वाव का है दूसरा पतंजलि का है। दोनों ही मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, ये बिल्कुल ही नेचुरल है। ठीक, तो यहां पे कितना एलोवेरा जेल हमें यूज करना है, यहां पे 4-5 टीस्पून हम ऐड करेंगे इसमें एलोवेरा जेल। आपकी स्किन जितनी भी ज़्यादा ड्राई रहती है, रफ़ रहती है, बेचैन रहती है या फिर उसमें चमक नहीं है, उसको बढ़ाने के लिए एलोवेरा जेल बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से काम करता है। सेकेंड जो हमारा इंग्रेडिएंट है गाइस वो है रोज़ वाटर। यहाँ पे मैं डाबर गुलाबरी का ले रही हूँ क्योंकि इससे बेस्ट मुझे कोई भी रोज़ वाटर नहीं लगता है। इसके एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण और एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज़ हमारी स्किन को सर्द हवाओं से महफूज रखती हैं। अगर सर्दियों में आपकी स्किन के ऊपर चमक नहीं रहती है, ग्लो नहीं रहता है या फिर आपकी स्किन बहुत ज़्यादा डल नज़र आती है, तो रोज़ वाटर की मदद से हम अपनी स्किन को ब्राइटन कर सकते हैं गाइस। और ये मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, स्पेशली रोज़ वाटर का इस्तेमाल मैं पूरी विंटर करती हूँ। तो यहाँ पर कितना रोज़ वाटर हमें ऐड करना है, लगभग आधी बॉटल को हम इस रोज़ वाटर से भर देंगे, यानी हाफ बॉटल हमें इसमें रोज़ वाटर की ऐड कर देनी है। अब इसके बाद जो नेक्स्ट इंग्रेडिएंट हम ऐड करने वाले हैं गाइस वो है ग्लिसरीन, जो कि सर्दियों में स्पेशली हम यूज़ ही करते हैं। ग्लिसरीन का इस्तेमाल करके हम अपनी स्किन के मॉइस्चर को लॉक करते हैं, अपनी स्किन को प्लम्प बनाते हैं। अपनी स्किन के हाइड्रेशन के लिए हम ग्लिसरीन का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो लगभग 2 टीस्पून ग्लिसरीन की हमें इसमें ऐड करनी है, जो कि हमारी स्किन को हाइड्रेट भी रखेगी, मॉइस्चराइज रखेगी और स्किन के चमक को भी बढ़ाएगी। इसके बाद जो नेक्स्ट हमारा इंग्रेडिएंट है वो है गाइस लेमन, जिसका हम इस्तेमाल इसी में करने वाले हैं। यहाँ पे लेमन की सीड्स को पहले हम निकाल देंगे और ये आधा लेमन जूस पूरा हम इसी बॉटल में स्क्विश कर देंगे। लेमन एक नेचुरल वाइटनर की तरह काम करता है। अगर आपके फेस पे, आपकी बॉडी के ऊपर टैनिंग है या फिर किसी भी तरह के दाग धब्बे हैं, कील मुहासों के निशान हैं, तो ये बहुत ही नेचुरल तरीके से आपके फेस के ऊपर से, आपकी बॉडी के ऊपर से उन दाग धब्बों को ख़त्म करता है, रिमूव करता है और आपके कॉम्प्लेक्शन को निखारता है। ठीक है, तो आधा लेमन जूस पूरा हमने इसमें स्क्विश कर दिया है गाइस और इस तरह की बॉटल में इस सारी चीज़ों को हमने स्टोर कर लिया है। अब लास्ट में जो हम इसमें ऐड करने वाले हैं वो है 3 विटामिन ई के कैप्सूल। स्पेशली विटामिन ई हमारी स्किन के लिए बहुत बेनिफिशियल होता है, यह हमारी स्किन के चमक को बढ़ाता है, हमारी स्किन के ग्लो को बढ़ाता है और आपकी स्किन के कलर को भी फेयर करता है। ठीक है, तो 3 इवियॉन 400 कैप्सूल का मैं इसमें इस्तेमाल कर रही हूँ। सारी चीज़ों को मैं आपको इसलिए बताए दे रही हूँ कि आप मुझसे अक्सर पूछते हो कि दी आप कौन सी चीज़ इस्तेमाल करती हैं। तो इवियॉन 400 कैप्सूल आपको किसी भी मेडिकल शॉप पे ईजिली मिल जाने वाले हैं और 20 से 25 रुपए में ही पूरा एक पत्ता आ जाता है जिसके अंदर काफ़ी सारे कैप्सूल होते हैं। ठीक है, तो कुछ इस तरह से हम कट करते हुए ये तीनों ही कैप्सूल का जो ऑयल है वो इसी में ऐड कर देंगे। अगर आपके पास ये कैप्सूल नहीं है गाइस तो इसकी जगह आप 1 टीस्पून इसमें आलमंड ऑयल का भी इस्तेमाल कर सकती हैं। आप कोकोनट ऑयल का इस्तेमाल इसलिए नहीं कर सकती हैं क्योंकि ये आपका विंटर में जम जाएगा। ठीक है, अब इन सारी चीज़ों को हमें शेक कर लेना है ताकि ये आपस में अच्छी तरह से मिक्स हो जाए गाइस।
और मिक्स करने के बाद ये हमारा एक बेहतरीन और मैजिकल स्किन वाइटनर प्लस मॉइस्चराइजर बनकर तैयार है, जो कि हमारी स्किन को हाइड्रेट रखेगा, विंटर में हमारी स्किन की ड्राइनेस को ख़त्म करेगा, हमारी स्किन को प्लम्प बनाएगा और हमारी स्किन पे एक विजिबल ग्लो लेकर आएगा। इसके इस्तेमाल से आपका चेहरा बेदाग और निखरा हुआ नज़र आएगा। तो इसे हमें इस्तेमाल किस तरह से करना है गाइस, आप दिन भर में जितने बार भी अपना फेस वॉश करती हैं, अपने हैंड को वॉश करती हैं, तो आप इसको लगा सकती हैं। स्पेशली नाइट और डे में, यानी मॉर्निंग में आप इसका इस्तेमाल ज़रूर ज़रूर करें। पहले अपने फेस को क्लीन कर लें, उसके बाद इसे लेकर एज ए मॉइस्चराइज़र, एज ए सिरम आप अपने फेस के ऊपर लगाएं, इसे अपनी नेक पे लगाएं, अपने हैंड्स के ऊपर लगाएं, और इस तरह से जब आप लगाकर सर्कुलर मोशन में हल्के हाथों से मसाज करेंगी तो बहुत ही ईजली और बहुत ही क्विकली ये आपकी स्किन के अंदर ब्लेंड हो जाएगा। आप देख सकती हैं सिर्फ एक सेकेंड के अंदर ही ये मेरी स्किन के अंदर बिल्कुल पेनिट्रेट हो गया है, और उसके अलावा इसने मेरी स्किन को बिल्कुल से प्लम्प भी कर दिया है। अब ये थोड़ा सा मॉइस्चराइज़र ले लें और आप इसे अपने हैंड के ऊपर अप्लाई करें। आपके नकल्स अगर काले हैं तो ये आपके नकल्स के ब्लैकनेस को भी ख़त्म करता है, एल्बो की रफनेस को ख़त्म करता है, स्किन को बेदाग बनाता है, निखरा हुआ बनाता है, और इसके इस्तेमाल से आपकी स्किन चमकदार और ग्लोई बनी रहती है, और पूरी सर्दी आपकी स्किन ड्राई नहीं होती है, पैची नहीं होती है। तो बेस्ट है इन सर्दियों में इसका इस्तेमाल ज़रूर ज़रूर करें। इसका रिजल्ट मेरे साथ कमेंट बॉक्स में शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो बहुत ही ज़बरदस्त मॉइस्चराइज़र है, बहुत ही ज़बरदस्त सीरम है, जो कि आपकी पूरी बॉडी की ड्राइनेस को ख़त्म करेगा, आपकी स्किन को शाइनी रखेगा, आपकी स्किन को प्लम्प बना के रखेगा। इसके अलावा ये आपकी स्किन के हाइड्रेशन के लिए भी बहुत अच्छा है, ठीक है। इसके इस्तेमाल से ना तो आपको चिपचिपाहट महसूस होगी और ना ही आपकी स्किन ड्राई और फटी फटी सी आपको नजर आएगी। इसका एक और बहुत बड़ा बेनिफिट है गाइस, जिसको मैंने आपसे कहा था कि आपको बताऊंगी, ये आप एज ए सिरम अपने बालों के ऊपर अप्लाई कर सकती हैं। अगर आपके बाल बहुत ज़्यादा ड्राई रहते हैं, बहुत ज़्यादा फ्रिजी रहते हैं, आपके स्प्लिट्स एंड की प्रॉब्लम है, या फिर आपके बालों के ऊपर शाइनिंग नहीं है, तो ये आप एज ए हेयर सिरम भी इस्तेमाल कर सकती हैं। तो देखा गाइस, आपने दो दो बड़े बड़े मैजिक हमें मिले हैं इससे। तो जल्दी से आप भी बनाइए और पूरी विंटर अपनी स्किन की हिफाजत कीजिए, अपने बालों की हिफाजत कीजिए। मेक श्योर कि मेरा ये वीडियो आपको बहुत बहुत पसंद आया होगा और इस वीडियो को आपने पहले ही लाइक किया होगा। अगर आपने पहले ही लाइक कर दिया है तो थैंक यू सो मच। प्लीज मेरी मोटिवेशन के लिए वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूला करिए। चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो विद बेल आइकन चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। इसी तरह के वीडियो मैं अपनी फैमिली के लिए हफ्ते में 3 दिन लेकर आती हूँ। जहां पे भी आप सोशल मीडिया पे एक्टिव रहते हैं, प्लीज मेरे वीडियोस के लिंक को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिएगा। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में किसी जबरदस्त कंटेंट के साथ, किसी अच्छे से ब्यूटी टिप्स या हेल्थ टिप्स के साथ। तब तक के लिए आप सब अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर, बाय।